भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प में गलवान घाटी में शहीद हुए जयकिशोर सिंह के परिजनों से मिलने बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाने के बाद शहीद के श्राद्ध कार्यक्रम में मंत्री शामिल हुए। बता दें कि वैशाली के चकफतेह निवासी जय किशोर की शहादत के बाद से ही उनके घर पर राजनीतिक दल के नेताओं और समाज सेवियों के पहुंचने का दौर जारी है। इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता इस परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दे चुके हैं। बिहार रेजिमेंट के उन जवानों को उनकी शहादत को सलाम कर रहा है जिन लोगों ने चीन की सीमा पर चीनियों को मार करके अपनी शहादत देने का काम किया और हमारे देश का इतिहास भी रहा है। हमारे वीर बहादुर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने में कोई पीछे नहीं रहे। हम सबके लिए गर्व की बात है। जय किशोर सिंह हम लोग के राज्य के थे, युवा थे, लेकिन इन्होंने बहादुर के साथ चीनियों को मारा है तो उतनी शहादत। लखनऊ पुलिस ने प्रियंका गांधी के करीबी नेता और यूपीसीसी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन शहनवाज आलम को उनके गोल्फ लिंक अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया है। इसकी सूचना मिलते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा कार्यकर्ताओं के साथ हजरतगंज कोतवाली शहनवाज आलम की गिरफ्तारी की जानकारी लेने पहुंचे। लंबी चर्चा के बाद कांग्रेसी नेताओं को पता चला कि शहनवाज आलम को 19 दिसंबर 2019 को हुए CAA और NRC प्रोटेस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया है। 7 महीने बाद जागी लखनऊ पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर ही नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया और थाने के बाहर खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने पत्रकारों को भी थाने से बाहर निकलने को कह दिया। इस गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की सरकार लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजती रही है और इस समय भी वही हो रहा है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं। इसका जवाब देकर रहेंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जेल जाने को तैयार है। सरकार डरी हुई है, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जेल भेजने का काम कर रही है, फर्जी मुकदमे लिख रही है। अगर ये मुख्यमंत्री जी आप सोचते हो कि फर्जी मुकदमे लिखकर जेल भेज देने से आप जनता की आवाज़ को दबा देंगे, जनहित के अधिकारों की लड़ाई को लड़ने से दबा देंगे, शोषित वंचित मजदूर कमजोर किसानों की आवाज़ को दबा देंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है, बातचीत की है, अधिकारियों ने कहा है कि हमें कुछ देर का समय दीजिए, हम जांच कर रहे हैं। अगर जांच के उपरांत हमारे पार्टी के अध्यक्ष को छोड़ा नहीं गया तो आंदोलन होगा, परिणाम जो भी होगा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जेल जाएगा, लेकिन इनके दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा। शहनवाज आलम जी की गिरफ्तारी जो है वो अपराध संख्या 600/19 जो 19 दिसंबर 2019 को परिवर्तन चौक पर NRC और CAA के विरोध के घटनाक्रम था, उसमें इनका नाम प्रकाश में आया था। साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया जारी थी। पर्याप्त साक्ष्य संकलन करने के बाद आज उनकी गिरफ्तारी की गई है, समुचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चंदौली महडौरा प्रधान मनोज यादव की हत्या मामले में पुलिस की संदिग्ध भूमिका के खिलाफ परिजनों ने SP कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान मृतक की पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ पति के हत्यारों को सजा दिलाने और न्याय की गुहार लगाती दिखाई दी। वहीं मृतक के माता पिता भी न्याय की आस लगाए जमीन पर बैठे नजर आए। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि चुनावी रंजिश और कोटी को लेकर उनके बेटे की हत्या की गई। वहीं मृतक के परिजनों ने कहा कि हत्या के बाद हत्यारे पकड़े गए, लेकिन पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में आकर हत्यारों को बचाने में जुट गई है। जांच को प्रभावित करने के लिए जिला पुलिस ने विवेचना को ही बदल दिया। विवेचना को जिले से बाहर मिर्जापुर ट्रांसफर कर जिला पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने के लिए काफी हैं। हालांकि ASP प्रेमचंद्र ने बताया कि मामले के निष्पक्ष जांच के लिए मामले को दूसरे जिले में ट्रांसफर किया गया है। हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं कि जो अपराधी हैं वो वर्तमान सत्ता पक्ष और RSS से जुड़े आदमी हैं, ठीक है।
और वो हमारे भाई की हत्या भी कर दिए हैं। कौन किया हत्या? हत्या पंकज सिंह, अमित सिंह और उनके रिश्तेदार और शूटर वगैरह जो है मिलकर जो है किए। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों की मांग यही है कि जो अपराधी पकड़े गए हैं वो सही अपराधी पकड़े गए हैं और मामला जो है इसको जो है अन्य जिले में ट्रांसफर करके विवेचना को उन लोगों के साथ मतलब हम लोगों के साथ मामले के साथ लिपापोतित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार और कृषि विभाग के खिलाफ प्रयासों के बाद भी नकली खाद बीज कारोबार पर अंकुश नहीं लग रहा है। कुछ साल पहले मधेपुरा में बड़े पैमाने पर नकली खाद बीज के कारोबार के भंडाफोड़ होने पर कई जगहों पर नामी कंपनियों के रैपर में बीज रीपैकिंग का खुलासा हुआ, लेकिन क्या ये धंधा फिर से शुरू हो गया है? ये सवाल मुरलीगंज के किसान की शिकायत के बाद उठ रहे हैं। दरअसल इस किसान ने शिकायत की है कि मल्टीनेशनल बीज ब्रांड कंपनी के धान के बीज में अंकुरण नहीं आया। जब किसान ने दुकानदार से शिकायत की तो दुकानदार ने उसे दूसरा बीज दे दिया, लेकिन समय और मेहनत का क्या? लिहाजा किसान ने जिला कृषि पदाधिकारी को लिखित शिकायत की, जिसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद जाँच करने की बात कही। बीज लिए हम मुरलीगंज भगत के यहाँ 10 रोज हो गया है, इसका बिचरा नहीं आया है। इसको हम शिकायत किए तो पहले टाल मटोल किया, तो उसके बाद जब कुछ आदमी वहाँ पर जमा हुआ तब हमको जो बीज के बदले दूसरा बीज दिया गया। हमारा खेत तो पहले तैयार था, अब हमारा खेत भी तैयार नहीं है। फिर से खेत हम तैयार करेंगे, बीज गिराएंगे, लेट होगा, क्या होगा नहीं होगा, ऐसे दुकानदारों के ऊपर जो है कार्रवाई किया जाए। लेकिन मामला ये है कि बीज में अंकुरण क्यों नहीं हुआ? जैसा कि इन्होंने बताया कि ये एराइज कंपनी का बीज है, तो कंपनी तो बहुत अच्छी है और ये बिहार में इसको बेचने के लिए इसका लाइसेंस भी है, कृषि विभाग द्वारा प्राधिकृत भी है। लेकिन जांच का विषय ये है कि अगर इस कंपनी का सिर्फ पैकिंग है और उसके अंदर कोई बीज अगर नकली है तो इसकी जांच होगी और इसके लिए मैं कल स्वयं मुरलीगंज जाऊंगा। धौलपुर के भरतपुर रेंज डीआईजी लक्ष्मण गौड़ के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किए गए दलाल प्रमोद शर्मा के बाद एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन बीती रात धौलपुर पहुंचे और देर रात तक जिले के सभी थाना प्रभारियों को एसपी कार्यालय बुलाकर पूछताछ की। पूरे मामले में सबूत जुटाने के बाद ही थाना प्रभारियों की कॉल डिटेल्स की भी बारीकी से छानबीन की गई। पूछताछ के बाद एडीजी सुबह भरतपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी दूरी बनाए रखी। बता दें कि हाल ही में भरतपुर जिले के उद्योग नगर थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश चौधरी से भरतपुर रेंज डीआईजी लक्ष्मण गौड़ का संरक्षण और एसीआर सही भरवाने के एवज में दलाल प्रमोद शर्मा ने 5 लाख की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत थाना प्रभारी चौधरी ने एसीबी कार्यालय जयपुर में दर्ज कराई थी।